स्वागत है आप सबके अपने चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आटे और सूजी से बने लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू दोस्तों जितना बनाना आसान है उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल लेंगे, तो इसमें हम 2 कटोरी गेहूँ का आटा लेंगे, 4 चम्मच सूजी ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों 4 चम्मच मैंने सूजी ले लिया है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर दोस्तों आप सूजी नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 4 चम्मच घी डाल देंगे। 4 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा आटा लेंगे, इस तरीके से मुट्ठी में दबाएंगे। अगर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है तो समझिए कि हमारा मोइन परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा टाइट डो तैयार करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने टाइट डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर डो को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए डो को हम फिर से अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। तो यहाँ पर अब हम एक प्लेट लेंगे और छोटा छोटा लोई तोड़ेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, इसी तरह से हम सारे लोई को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे लोई को तोड़ लिया है। अब एक लोई को हम हाथ में लेंगे और बॉल की तरह बनाएंगे। ये देखिए फिर इसको हम लंबा में शेप देंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए सारे को हम इसी तरह से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सारे डो को मैंने मुठिया की तरह बना लिया है। ये देखिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को बैठा दिया है, कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें मुठिया को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो एक बार दोस्तों इसको हम चेक कर लेते हैं ये अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं। तो नीचे की तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। सारे को हम अच्छे से पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जो हमारे ऊपर के हैं मुठिया हैं ऊपर से पक जाएंगे और अंदर कच्चे के कच्चे ही रह जाएंगे। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा। मुठिया को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरे बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जो हमारा मुठिया है दोस्तों अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें छोटा छोटा टुकड़ा करना है। वो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना खस्ता बनकर के तैयार हुआ है। ये देखिए सारे को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी जार लेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है, एक साथ नहीं ग्राइंड करना है। तो चलिए इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मुठिया को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को बैठा दिया है। इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे, 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है। चीनी अच्छे से घुल गई है दोस्तों और गुड़ भी अच्छे से घुल गया है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और एक तार वाली चाशनी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चाशनी बनकर के तैयार हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमें इसी तरह का चाशनी चाहिए। ये देखिए
तो यहाँ पर मैंने दोस्तों मावा लिया है, मावा को इसमें हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, तो यहाँ पर मैंने मावे को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें इसको डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमारा मिश्रण भी अच्छे से ठंडा हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो थोड़े से मिश्रण को हम लेंगे, ये देखिए, और इसको हम बॉल की तरह बना लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे लड्डू को बना लिए हैं। अब इसको हम बादाम से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं और मैंने इसे काजू और बादाम से गार्निश भी कर लिया है। इसे दोस्तों चूरमा का लड्डू भी बोला जाता है। तो इस रेसिपी को दोस्तों आप घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।